गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः में हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पॉलिटिकल साइंस की अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो नए वीडियो है उनकी अपडेट मिलती रहे और आप हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उनका लाभ ले सके और प्रतियोगी जो परीक्षा है उसमें सफलता है वो प्राप्त कर सके। हमारे यहाँ पर महाविद्यालय में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों की जो नियमित कक्षाएँ और संचालित होती है। हम जो बीए फाइनल ईयर की बुक है पास आते राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इसमें जॉन लॉक, प्रीवियस वीडियो में हमें जॉन लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं। जॉन लॉक का जन्म 29 अगस्त 1632 को ब्रिटेन इंग्लैंड के समरसेट के रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था और इनकी दो प्रमुख पुस्तकें, एक तो लेटर ऑन टॉलरेशन और दूसरी है शासन पर दो निबंध, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। तो ये जो 1690 में प्रकाशित पुस्तक है और ये सबसे प्रसिद्ध है, जॉन लॉक को ये शासन पर दो निबंध या टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, इसके लिए प्रसिद्ध ग्रंथ है ये जॉन लॉक का। और ये जो लेटर ऑन टॉलरेशन है, इसकी जॉन लॉक है, इनके जीवन काल में तीन बार प्रकाशित हो चुकी थी, तीन भाग इसके और चौथा भाग जॉन लॉक की मृत्यु के बाद में 1704 के बाद प्रकाशित हुआ था। आज हम जॉन लॉक है इसकी प्राकृतिक अवस्था के बारे में इन्होंने क्या बताया है इसका वर्णन करेंगे। तो जॉन लॉक ने भी होब्स की भांति, जिस प्रकार से हम पूर्व में वीडियो होब्स का पढ़ चुके हैं, तो होब्स की भांति जॉन लॉक ने भी जो ये प्राकृतिक अवस्था है इसका क्या किया है, चरितार्थ किया है, इसका चित्रण किया है। क्योंकि लोक है, लोक मनुष्य को क्या मानता है, लोक का मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, सहयोग। लोक का जो मनुष्य है, लोक का मनुष्य ये होब्स से उल्टा मानता है कि मनुष्य सहयोग है, प्रेम है, सहानुभूतिपूर्ण है, दया है। तो लोग अपनी प्राकृतिक अवस्था में कहता है कि मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया से पूर्ण प्राणी है। इसलिए प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक की प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था नहीं थी, इसलिए लोग कहता है कि प्राकृतिक जो अवस्था है इसमें मनुष्य में सहयोग, प्रेम, सहानुभूतिपूर्ण, दया का प्राणी है। इसलिए जो प्राकृतिक अवस्था है ये क्या नहीं थी, संघर्ष की अवस्था नहीं थी, क्या थी, ये सहयोग की अवस्था थी। जबकि होब्स ने क्या बताया था, संघर्ष की अवस्था बताया था। तो ध्यान रखना है, जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को क्या बताया है, सहयोग की अवस्था बताया है, कि प्राकृतिक जो अवस्था है वो क्या थी, सहयोग की अवस्था थी। इसमें शांति है, संपन्नता है, सहयोग है, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था है। लोक ने लिखा है कि प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था है। लोक कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो क्या है, प्राकृतिक अवस्था ये स्वतंत्रता की अवस्था है। जॉन लॉक है, क्योंकि इसमें सहयोग है, शांति है, सम्मान है, स्वतंत्रता है, तो प्राकृतिक अवस्था वो स्वतंत्रता की अवस्था है। तथापि ये स्वेच्छाचारिता की अवस्था नहीं है, प्राकृतिक अवस्था ये स्वतंत्रता की अवस्था है, ये स्वेच्छाचारिता की अवस्था नहीं है। जिस प्रकार होब्स ने कहा था कि स्वेच्छाचारिता की, जबकि ये जॉन लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था वो स्वतंत्रता की अवस्था है, ये स्वेच्छाचारिता की अवस्था नहीं है। इस अवस्था में मनुष्य को अपने व्यक्तित्व या संपत्ति के प्रयोग की अमर्यादित स्वतंत्रता है, पर उसे तब तक अपने को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है जब तक कि ऐसा करने की आवश्यकता जीवन बनाए रखने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से नहीं हो। लोक है, इसकी प्राकृतिक अवस्था की विशेषता यह है कि उसमें व्यक्तियों को अधिकार भी प्राप्त है, और उसमें यह व्यवस्था है कि लोक ने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को, लोक कहता कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को क्या थे, प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। लोक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को क्या प्राप्त थे, प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। जॉन लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को प्राकृतिक जो अधिकार है ये प्राप्त थे। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को तीन अधिकार प्राप्त थे, प्राकृतिक जो अवस्था थी इसमें मनुष्य को तीन अधिकार प्राप्त थे, जीवन है, स्वतंत्रता है और संपत्ति है। इसमें जो संपत्ति है इसमें यह क्या था, सबसे प्रमुख था, या जॉन लॉक है इसने संपत्ति को सर्व प्रमुख स्थान दिया, और संपत्ति में ये दो अधिकार है, जीवन और स्वतंत्रता, के क्या है, सम्मिलित है। प्राकृतिक अवस्था में जॉन लॉक कहता है कि संपत्ति की सृष्टि ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं में श्रम के मिश्रण से हुई है, कि प्राकृतिक अवस्था में जो संपत्ति है, संपत्ति की सृष्टि द्वारा या ईश्वर द्वारा जो वस्तुएं बनाई गई है उसमें श्रम, मेहनत लगाने से हुई है। जैसे पेड़ में फल फूल लगे हुए हैं वे सब के हैं, पर यदि परिश्रम करके इसको मैंने तोड़ा तो ये किसके हो गए, मेरे हो गए। लोग प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को समान मानता है, पर उसका विचार था कि ये समानता अधिकारों की समानता थी, शक्ति की नहीं। लोग कहता है कि जो समानता थी
ये किसकी थी? अधिकारों की समानता थी, शक्ति की नहीं है। समानता किस प्रकार की थी? प्राकृतिक रूप से थी, संपत्ति ये अधिकारों की समानता थी, शक्ति की नहीं है। जैसे भगवान ने कोई भी वस्तु बनाई है और वो सब की है, परंतु अगर किसी मनुष्य ने उसको हासिल करने में अपनी मेहनत लगाई है तो इसका मतलब क्या है? प्राकृतिक रूप से तो हम क्या है, या अधिकार तो सबके बराबर है, अधिकारों में तो समानता है, पर शक्ति की समानता नहीं है। लोक ने प्राकृतिक अवस्था में ये व्यवस्था भी विद्यमान है और वो विवेक द्वारा स्थापित व्यवस्था है। लोग कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में जो विवेक द्वारा जो स्थापित व्यवस्था है वो भी विद्यमान है। कहने का मतलब विवेक भी प्राकृतिक जो अवस्था है उसमें विद्यमान है। विवेक को काम में लाने वाली संपूर्ण मानवता को यह सिखाता है, क्योंकि वह सब मनुष्य समान तथा स्वाधीन है, अतः किसी को भी दूसरे के जीवन स्वास्थ्य स्वतंत्रता एवं संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जॉन लोग कहता है कि मनुष्य में ये प्राकृतिक विवेक भी है, और विवेक के कारण मनुष्य को पता है कि मनुष्य को जीवन की स्वतंत्रता की संपत्ति की जो ये है संपत्ति, इनको क्या नहीं पहुंचाना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्यों? मनुष्य में क्या है, विवेक है, इसलिए वो ये चाहता है कि दूसरे पर नहीं पहुंचाना चाहिए। लोग ने कहा है कि मनुष्यों को दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण करने और हानि पहुंचाने से रोका जाना चाहिए। सबको उस प्राकृतिक अवस्था को मानना चाहिए जो शांति और संपूर्ण मानवता की सुरक्षा चाहती है। इस प्रकार लोक की जो प्राकृतिक अवस्था है वो विवेक जनित प्राकृतिक नियम पर आधारित है। लोक की जो प्राकृतिक अवस्था है ये विवेक जनित प्राकृतिक जो नियम है उस पर आधारित है। विवेक जनित प्राकृतिक जो नियम है उस पर आधारित है। लोक की प्राकृतिक अवस्था है इस विवेक जनित प्राकृतिक नियम पर आधारित है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। तुम दूसरों के प्रति तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो, जिसकी तुम दूसरों के प्रति आशा करते हो। जॉन लॉक कहता है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों के प्रति क्या करते हो, आशा करते हो। लोक के व्यक्ति है वो प्राकृतिक अवस्था की इस प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार ही चलते हैं तथा उचित अनुचित पाप पुण्य धर्म अधर्म की स्वाभाविक भावना के अनुसार परस्पर व्यवहार में रहते हैं। प्राकृतिक अवस्था है वो स्वर्ण युग की। जॉन लॉक कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो क्या है, स्वर्ण युग की अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था है वो क्या है, स्वर्ण युग की अवस्था है, क्योंकि इसमें आपस में लोगों में क्या थी, दया थी, प्रेम था, सहानुभूति थी, सहयोग था, सहयोग करने की जो प्राकृतिक अवस्था थी, इसलिए प्राकृतिक अवस्था को जॉन लॉक क्या कहता है, स्वर्ण युग। ये प्राकृतिक अवस्था है वो स्वर्ण युग की अवस्था है। और डनिंग, एक राजनीतिक विचारक है डनिंग, जिसने कहा है कि ये पूर्ण सामाजिक अवस्था होने की अपेक्षा केवल पूर्व राजनीतिक अवस्था है। ये पूर्ण सामाजिक अवस्था होने की ये पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था है। डनिंग कहता है लोक की इस प्राकृतिक अवस्था को ये कि ये पूर्ण राजनीतिक अवस्था होने की अपेक्षा क्या है, केवल पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था है। क्या है, पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था है। कहने का मतलब वो है ये अवस्था पारस्परिक संघर्ष की अवस्था नहीं थी। इसमें शांति व विवेक का आधिक्य था।
तो जौन लोक की प्राकृतिक अवस्था है, जौन लोक ने ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, जौन लोक ने ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, जॉन लॉक ने एसेज ऑन द लॉ ऑफ नेचर कब लिखी थी, 1660 में लिखी थी। हम ये दो रचना में बताए, पहली इनकी लेटर ऑन टॉलरेशन थी, दूसरी शासन पर दो निबंध सबसे प्रमुख थी वो टू ट्रीटेजेज ऑन गवर्नमेंट और ये एसेज ऑन द लॉ ऑफ नेचर 1660 में लिखी थी। और इस अवस्था में जॉन लॉक है प्राकृतिक अवस्था एवं युद्ध की अवस्था में, जॉन लॉक ने कहा कि जो प्राकृतिक अवस्था है और जो युद्ध की अवस्था है, इस बुक में प्राकृतिक अवस्था व युद्ध की अवस्था में अंतर होता है, युद्ध की अवस्था में अंतर होता है। जॉन लॉक है ऐसे जॉन दी लॉ ऑफ नेचर 1660 में लिखी थी, इसमें यह बता रहा है कि प्राकृतिक अवस्था और युद्ध की अवस्था में क्या होता है, अंतर होता है। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था है वो पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक नहीं। जॉन लॉक की जो अवस्था है वो क्या है, पूर्व राजनीतिक है। क्या है, जॉन लॉक की अवस्था वो पूर्व राजनीतिक है न कि पूर्व सामाजिक। जॉन लॉक की अवस्था ये क्या है, पूर्व राजनीतिक है न कि पूर्व सामाजिक। प्राकृतिक अवस्था है वो परस्पर शांति और सहयोग की अवस्था है। जॉन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है ये परस्पर, जॉन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है ये परस्पर परस्पर शांति व सहयोग की अवस्था है। जॉन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है वो शांति व सहयोग की अवस्था है। और एसेज ऑन द लॉ ऑफ नेचर 1660 में इसने प्राकृतिक अवस्था है इसको क्या बताया कि प्राकृतिक अवस्था और युद्ध की अवस्था में अंतर होता है। और जॉन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है ये पूर्व राजनीतिक अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था परस्पर शांति और सहयोग की अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों से, और प्राकृतिक अवस्था वो किससे संचालित होती है, प्राकृतिक अवस्था है ये प्राकृतिक जो नियम है, प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक जो नियम है उन नियमों से संचालित होती है। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक विधि विद्यमान थी। और जॉन लॉक कहता है कि प्राकृतिक जो व्यवस्था थी इसमें प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक या प्रकृति के कानून क्या थे, विद्यमान थे। प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक कानून है वो क्या थे, विद्यमान थे। अब विधि एवं स्वतंत्रता के मध्य संबंध, जॉन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है इसमें विधि व विधि व स्वतंत्रता के मध्य विधि व स्वतंत्रता के मध्य संबंध, इसमें जॉन लॉक कहता है कि जॉन लॉक ने कहा कि जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ निरंकुशता आरंभ होती है। जॉन लॉक कहता है कि जहाँ विधि समाप्त होती है, जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ निरंकुशता आरंभ होती है। जॉन लॉक कहता है कि जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ क्या होती है, निरंकुशता वो आरंभ होती है। जॉन लॉक के अनुसार विधि स्वतंत्रता का संरक्षण ही नहीं करती बल्कि उसमें वृद्धि भी करती है। जॉन लॉक कहता है कि विधि स्वतंत्रता का, जॉन लॉक कहता है कि विधि स्वतंत्रता का संरक्षण ही नहीं करती है बल्कि उसमें क्या करती है, वृद्धि भी करती है। विधि का मतलब कानून होता है, तो जहाँ विधि समाप्त या कानून जहाँ समाप्त होता है वहाँ निरंकुशता आरंभ होती है, फिर किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहता है। और विधि विधि है वो स्वतंत्रता का संरक्षण मतलब रक्षा ही नहीं करती है, बचाव ही नहीं करती है, उसमें क्या करती है, स्वतंत्रता में वृद्धि भी करती है, स्वतंत्रता को बढ़ाती भी है। विधि के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना कठिन है, और विधि के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना, अगर विधि नहीं है तो स्वतंत्रता की कल्पना करना क्या है, कठिन है। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक जो नियम है उसका अभिप्राय है मध्यकालीन ईश्वरीय सार्वभौमिकता विधि है। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक जो नियम है उसका अर्थ है मध्यकालीन ईश्वरीय सार्वभौमिकता विधि है, मध्यकालीन ईश्वरीय सार्वभौमिकता। जॉन लॉक कहता है कि मध्यकालीन ईश्वरीय है वो सार्वभौमिकता विधि है। प्राकृतिक विधि का अभिप्राय शीर्षरों के अनुसार ईश्वर द्वारा निर्मित नियमों से
समुची जो सृष्टि है वो संचालित होती है। सिसरो कहता है कि ईश्वर द्वारा निर्मित जो नियम है उनसे सारी जो सृष्टि है वो संचालित होती है। तो व्यक्ति बुद्धिमान होने के कारण ईश्वरीय नियमों का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का संचालन करता है। व्यक्ति बुद्धिमान होने के कारण ईश्वरीय जो नियम है उनका ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का संचालन करता है। आज हमने जौन लोक की जो ये प्राकृतिक अवस्था है उसका अध्ययन किया कि जौन लोक की जो प्राकृतिक अवस्था है उसका किस प्रकार से चित्रण किया है, और हमारी जो बुक है पाल साथी राजनीतिक विचार इसमें जौन लोक चैप्टर है, इसका अध्ययन कर लेना, आपके समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।